देश के किसी एक जिले के बारे में बात करते हैं। वहां खेतों में इस वक्त क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और कृषि विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं। आज बारी है राजस्थान के नागौर जिले की। यहां के किसानों को क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं यहां के कृषि डिप्लोमा संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस आर कुमावत जी से, जो इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कुमावत, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम खबर में। हेलो जी डॉक्टर कुमावत, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम खबर में। हाँ जी डॉक्टर कुमावत, जानना चाहेंगे आपसे नागौर में अभी मौसम का हाल कैसा और वहाँ कौन कौन सी जो फसलें हैं वो लगी हुई हैं अभी। सर अभी जो फसलें लगी हुई है रबी में, सरसों, आरामीरा, जीरा, इसबगोल, कुछ एरिया में गेहूं भी हैं, जो भी हैं जी। और अभी कल यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, कुछ एरिया में मामूली ओले भी गिरे थे जी। तो इस मौसम में अभी सरसों की कटाई चल रही है जी, तारामीरा की भी अब कुछ दिनों में होने वाली है और जीरा इसबगोल पकने पे आया हुआ है जी। तो इस समय क्या है कि जो बारिश हुई है इससे जीरा इसबगोल में काफी नुकसान हुआ है जी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जीरा में जो झुलसा रोग आता है उसकी संभावना बढ़ गई है और इसबगोल में क्या है कि 5 मिलीमीटर से भी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है तो उससे क्या है कि इसबगोल का दाना धुल के और जमीन पे आ जाता है। तो इस समय जिस जिस एरिया में हमारे नागौर के जो मेड़ता का जो एरिया है उसमें इसबगोल की खेती होती है, जीरा इसबगोल की, तो उसमें कुछ एरिया के अंदर जहाँ ओले गिरे हैं वहाँ नुकसान हुआ है 30% 40% तक, और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ बची हुई है फसल। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई फिलहाल की, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं हमारे किसान? आने वाले समय में अभी जो किसान बुआई कर सकते हैं वो कुष्मांड कुल की जो अपन सब्जियां लगाते हैं वो इरिगेटेड एरिया में, सिंचित क्षेत्र में कर सकते हैं क्योंकि नागौर के अंदर सिंचित एरिया बहुत ही कम है जी। तो जो सिटी के आसपास है, शहर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे सब्जियों की खेती करते हैं, जो हमारे मुंडुआ क्षेत्र है यहाँ के किसान करते हैं, नागौर के कुछ किसान करते हैं, कुछ मेड़ता के करते हैं, खींवसर के करते हैं, और कुचामण के एरिया में प्याज की फसल लगी हुई है और प्याज की फसल अच्छी है, अभी कोई ज्यादा उसमें समस्या नहीं है क्योंकि बुआई उसकी रोपाई जो की है वो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के आसपास की है और अभी फसल अच्छी है। बिल्कुल फसल है जैसा आप बता रहे हैं कि अच्छी है, लेकिन आप अपने इलाके के किसानों को और क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सलाह यही है कि समय समय पर जैसे अभी मस्टर्ड वैसे कटने वाली है या इसमें दूसरी जो फसल है जीरा इसबगोल में, इनमें जो चेपा है आता है जिसको एफिड बोलते हैं, उसका प्रकोप तापमान बढ़ने से हुआ है, ज्यादा हो रखा है, तो इसमें क्या है मिथाइल पेराथियोन जो पाउडर आता है 2% डस्ट वाला, उसका भुरखाव किया जा सकता है जिससे क्या है कि इससे चेपे से राहत मिले किसानों को। और जो गेहूं में और जौ में जो दूधिया स्थिति आ रही है धान्य की, इस समय अपने को सिंचाई करने की आवश्यकता है जी। जीरा इसबगोल में अभी सिंचाई की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये फसल पकने को आ रही है अभी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।